हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। मैं अंबुज मिश्रा अपने और आपके इस YouTube चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग आपके 23 और 24 जून की करंट अफेयर्स की क्लास लेने वाले हैं। जैसा कि हमने बताया था कि मंडे को हमारी करंट अफेयर्स की कोई भी क्लास नहीं होगी, लेकिन आपके दो दिन बीच में गैपिंग रही, 23-24 को करंट अफेयर्स नहीं मिल पाई, तो आज के सेशन में आपको 23 तारीख और 24 तारीख को लगभग दोनों क्लास दिन के मिक्स 15 क्वेश्चंस होंगे। तो आज के सेशन में आपके लिए 23 और 24 जून की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लाए हुए हैं। चलिए आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ट्राई स्टार क्लासेस, ये हमारा रहा लोगो। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों ने कल क्विज का काफ़ी आनंद लिया होगा, अच्छी लगी होगी क्विज, उम्मीद करते हैं आप सभी को। शायद है कि फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, हिंदी के लगभग सभी सब्जेक्ट्स की क्विज, मोस्टली 90% सब्जेक्ट्स की क्विज कल हमारे टेलीग्राम चैनल ट्राई स्टार क्लासेस पर कराई गई थी। और हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है ट्राई स्टार क्लासेस। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आकर वहाँ जुड़ें, और हमारा ये है लोगो, वहाँ पर आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे ट्राई स्टार क्लासेस, हमारा ये लोगो दिखेगा, आप वहाँ से आके ज्वाइन हो जाइएगा। और हमारी डेली PDF करंट अफेयर्स की आपको वही चैनल पे आपको प्रोवाइड करा जाती है PDF फॉर्मेट में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डेली करंट अफेयर्स 23 एंड 24 जून 2022। जो बाहर की सुनता है वही डर जाता है, जो बाहर की सुनता है वही डर जाता है, जो अंदर की सुनता है वही सवर जाता है। वाह क्या बात है। चलिए इसी क्रम पे हम आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। Which airport has become the first airport in India to run entirely on hydro and solar power from June 2022? कौन सा हवाई अड्डा जून 2022 से पूरी तरीके से हाइड्रो और सोलर पावर से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो भारत कौन सा पहला हवाई अड्डा है जो जून 2022 से पूरी तरीके से इससे हाइड्रो और सोलर पावर से चलने वाला एयरपोर्ट बन गया है? आपके पास चार ऑप्शन है, फिलहाल मैंने आंसर यहाँ पे दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ें अच्छे से, क्वेश्चन के बाद आप ऑप्शन को भी पढ़ें। पहला ऑप्शन राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हैदराबाद। राजीव गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहाँ पर बना हुआ है? हैदराबाद पे। नेक्स्ट CSM इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई पे बना हुआ है। ऑप्शन नंबर थर्ड इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कहाँ बना हुआ है? नई दिल्ली पे बना हुआ है। ऑप्शन नंबर फोर द कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु, ये कहाँ बना हुआ है? तो बेंगलुरु। तो ध्यान रखेंगे देश का पहला हवाई अड्डा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरीके से अब जून 2022 से, यानी कि इसी महीने से चल रहा है, जून में हाइड्रो और सोलर पावर से पूरी तरीके से चलने वाला एयरपोर्ट बन गया है। ध्यान रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम को लेके, आप चाहे वो MTS का हो, चाहे आपका वो क्या कहते हैं ग्रुप डी का हो, चाहे UP लेखपाल का हो, चाहे UPSC PET का हो, हर एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। ये हमने बता ही दिया कि दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन द कंट्री टू रन इंटायरली ऑन हाइड्रो एंड सोलर पावर फ्रॉम जून 2022। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, Which day it celebrated as the International Olympic Day? किस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? 22 जून, 16 जून, 18 जून, 23 जून। तो ध्यान रखेंगे 23 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। थीम के बारे में बात करें, इसकी थीम क्या है 2022 की, विषय वस्तु क्या है? ये है टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, टुगेदर फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड। इस दिवस को वर्ल्ड ओलंपिक डे के रूप में भी जाना जाता है। इस दिवस को विश्व ओलंपिक दिवस यानी कि वर्ल्ड ओलंपिक डे के रूप में भी जाना जाता है। सबसे पहले ओलंपिक दिवस कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 23 जून 1948 को, यानी कि हमारे भारत देश आज़ाद होने के ठीक एक साल बाद पहली बार ओलंपिक डे मनाया गया था 23 जून 1948 को। तो ध्यान रखेंगे डे के साथ साथ थीम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे? किस दिन को विश्व वर्षा वन दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को
वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे के रूप में मनाया जाता है 20 जून, 5 जून, 16 जून, 22 जून। तो 22 जून को यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे के रूप में इसको मनाया जाता है। इसकी भी थीम के बारे में बात कर ले, इसकी थीम है द टाइम इज नाउ, द टाइम इज नाउ, ओके, द टाइम इज नाउ इसकी थीम है। और वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे सबसे पहले 2017 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2017 में मनाया गया था, पार्टनरशिप नामक एक अलाभकारी संस्था द्वारा इसको मनाया गया था। तो ध्यान रखेंगे जितने भी सेशन के क्वेश्चन है लगभग सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन विच कंट्री वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश वाज फाउंड इन जून 2022। जून 2022 में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील किस देश में पाई गई थी? ऑप्शन है फिलीपींस, मलेशिया, लाओस, कंबोडिया। ध्यान रखेंगे विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कंबोडिया में पाई गई थी। कहाँ पे बच्चों पाई जाती है? कंबोडिया में पाई गई थी। ध्यान रखेंगे विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ पर? कंबोडिया में पाई गई थी। आगे बढ़ते हैं, हाँ जी इसी में देख लेते हैं, कंबोडिया से याद आता है कि कंबोडिया में क्या है। कंबोडिया के मेकांग नदी में एक पकड़ी गई 300 किलोग्राम की स्टिंगरे अब तक की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली है। सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली में क्या हुआ है? इस सबसे बड़ी ताजे पानी की झील में क्या हुआ था कि 300 किलो की एक मछली पकड़ी गई। कितने किलो की? 300 किलो की मछली पकड़ी गई थी कहाँ पे? मेकांग नदी में। कंबोडिया में एक मेकांग नदी है, वहां पर 300 किलोग्राम की एक मछली पकड़ी गई थी। मछली का नाम स्टिंगरे है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली है। मछली की लंबाई के बारे में बात कर ले, इसकी लंबाई 3.98 मीटर, यानी कि लगभग 0.2 नहीं तो 4 मीटर लंबी मछली है, और 2.25 यानी कि 2.2 मीटर क्या है मछली चौड़ी है, ओके। कंबोडिया के लोकल लैंग्वेज में स्टिंगरे फिश को क्या कहते हैं? बोर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बोर्मी कहते हैं। और बोर्मी का अर्थ होता है मतलब पूर्णिमा होता है, ओके। तो ध्यान रखेंगे लोकल भाषा में जैसे आप कहें स्कूल का नाम होता है, घर का नाम होता है, इसी प्रकार से लोकल लैंग्वेज में कंबोडिया को स्टिंगरे फिश को क्या कहते हैं? बोर्मी कहते हैं। बोर्मी का मतलब क्या होता है? पूर्णिमा होता है, यानी कि फुल मून, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द्रौपदी मुर्मू अ ट्राइबल लीडर फ्रॉम ब्लैंक हैज बीन नेम्ड एज द रूलिंग नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। द्रौपदी मुर्मू की एक आदिवासी नेता को राष्ट्रपति चुनाव के लिए सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये है कहाँ की बच्चों? द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी नेता है, कहाँ की हैं? उड़ीसा की हैं बच्चों। कहाँ की हैं ये? उड़ीसा की हैं। चार ऑप्शन, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। हाँ बच्चों, झारखंड की क्या है? गवर्नर है, झारखंड की गवर्नर यानी कि राज्यपाल, लेकिन मूल निवासी कहाँ की हैं? उड़ीसा की, ओके। मुर्मू क्या है? झारखंड के गवर्नर हैं, ओके, जो कि विल बी द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन टू ऑक्यूपाई द टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इफ शी इज इलेक्टेड। तो झारखंड की पूर्व राज्यपाल मुर्मू यदि निर्वाचित हुई तो शीर्ष संवैधानिक पद पर काबिज होने वाली पहली आदिवासी महिला होंगी। यदि प्रेसिडेंट ये बन जाती है, भारत की राष्ट्रपति बन जाती है झारखंड की पूर्व राज्यपाल मुर्मू, तो समझो इस महिला के लिए यानी कि सबसे बड़ी आदिवासी महिला होगी इस सीट पर बैठने के लिए। उड़ीसा के बारे में बात कर लें, उड़ीसा में कितने जिले हैं? उड़ीसा में कुल जिलों की संख्या 30 है, 30 है, लोकसभा की सीटें वहां पर 21 हैं, राज्यसभा की सीटें कितनी है? वहां पर राज्यसभा की सीटें 10 हैं। और स्टेट एनिमल के बारे में बात कर लें, स्टेट एनिमल यानी कि राजकीय पशु वो है संबर डियर, यानी कि संबर हिरण। स्टेट बर्ड यानी कि राजकीय पक्षी वो है भारतीय रूलर है। कौन है? भारतीय रूलर। चलिए आगे बढ़ते हैं,
हु अमंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए इन जून 2022। जून 2022 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है बताएं। जून 2022 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास चार ऑप्शन, सतीश गोलचा, एस के सिंगल, दिनकर गुप्ता, के वी राजेंद्र नाथ रेड्डी। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि दिनकर गुप्ता को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि तो क्या बोलते हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी का इनको महानिदेशक नियुक्त किया गया है गुप्ता जी को। ओके, दिनकर गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। दिनकर गुप्ता है कौन? ये एक 1987 बैच के एक आईपीएस ऑफिसर हैं। क्या है? 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और पंजाब पुलिस के पूर्व प्रमुख हैं। और पंजाब पुलिस के क्या है? पूर्व प्रमुख हैं। इनको ही क्या किया गया है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखना आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज बीन स्वॉर्न इन एज द 27th चीफ जस्टिस ऑफ द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ऑन 23rd June 2022। 23 जून 2022 को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के 27वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? पहला ऑप्शन जस्टिस एसटी शर्मा, ऑप्शन नंबर बी जस्टिस विपिन संघी, ऑप्शन नंबर थर्ड जस्टिस एस एस शिंदे, ऑप्शन नंबर डी जस्टिस अमजाद एहतेशम सैयद। जस्टिस अमजाद एहतेशम सैयद, तो ध्यान रखेंगे जस्टिस अमजाद एहतेशम सैयद को 27वां मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने क्या किया है शपथ लिया है किस हाई कोर्ट के लिए? हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इनको शपथ किसने दिलाई? इनको शपथ दिलाने वाली कौन है बच्चों? इनकी शपथ दिलाने वाली राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिंकन ने राजभवन में इनको क्या करी? पद की शपथ दिलाई। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने ही क्या किया? इनको वहां पे शपथ दिलाई बच्चों। ओके, तो हिमाचल प्रदेश की गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिंकन ने इनको शपथ दिलाई राजभवन पर। किसको शपथ दिलाई है? शपथ दिलाई है न्यायाधीश अमजद एहतेशम सैयद को। ओके, 27वें जस्टिस के अपॉइंट होने से पहले इन्होंने क्या किया? सैयद बॉम्बे हाई कोर्ट में पोस्ट रह चुके हैं। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें प्रमुख मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने से पहले न्यायाधीश सैयद बम्बई उच्च न्यायालय में क्या थे? कार्यरत भी थे, यानी कि काम भी करते थे पहले यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट हैज been awarded the first prize in the National MSME Award 2022। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 से किस राज्य को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? MSME का फुल फॉर्म होता है, MSME का फुल फॉर्म के बारे में बात कर लें तो इसका फुल फॉर्म है द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तो ध्यान रखेंगे चार ऑप्शन आपके पास, केरला, पंजाब, गुजरात, उड़ीसा। तो उड़ीसा को एमएसएमई विभाग, उड़ीसा के एमएसएमई विभाग को राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Where have the scientists discovered the world's largest bacterium which can be seen with the naked eye? कहाँ के वैज्ञानिक ने ये देखा है
खोज किया है कि विश्व का सबसे बड़ा बैक्टीरिया जो कि इसको नेक्ड आईस यानी कि ऐसे डायरेक्टली नंगी आंखों से भी इसको देखा जा सकता है। कहां पर साइंटिस्ट ने खोजा है कि विश्व का सबसे बड़ा बैक्टीरिया जिसको कि नेक्ड आई से भी देखा जा सकता है। तो वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े बैक्टीरिया की खोज कहाँ की है जिसे बिना किसी यंत्र के सिर्फ आंखों से भी देखा जा सकता है। पहला ऑप्शन फ्लोरिडा मैंग्रोव, ऑप्शन नंबर बी कैरेबियन मैंग्रोव स्वैम्प, ऑप्शन नंबर सी सुंदरबंस मैंग्रोव, ऑप्शन नंबर डी बेलिजियन कोस्ट मैंग्रोव। तो ध्यान रखेंगे कहाँ पर बच्चों, कैरेबियन मैंग्रोव दलदल में। कैरेबियन मैंग्रोव दलदल ने वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े जीवाणु को खोज की है जिसे बिना किसी यंत्र के भी सिर्फ इसको आंखों से देखा जा सकता है। यह विचित्र जीवाणु मिला कहाँ पर है, ये मिला है कैरेबियन मैंग्रोव स्वैम्प में मिला है। कैरेबियन मैंग्रोव स्वैम्प में भी विचित्र अद्भुत तरीके का बैक्टीरिया मिला हुआ है। ये लगभग एक क्या है, मनुष्य के मानव पलक के आकार का है। ओके, तो ध्यान रखेंगे कहाँ के वैज्ञानिकों ने सबसे बड़ा विश्व का बैक्टीरिया खोज किया जिसे बिना किसी यंत्र के भी ऐसे आंखों से देखा जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे कैरेबियन मैंग्रोव ग्रोव दलदल में विचित्र जीवाणु मिला है। वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े बैक्टीरिया की खोज की है। लगभग एक मानव की यानी कि मनुष्य के पलक के आकार का है। ओके, द बिजारे बैक्टीरियम हैज बीन फाउंड इन अ कैरेबियन मैंग्रोव। अब बात करें किसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, बिजारे बैक्टीरियम इसका नाम है जो कि कैरेबियन मैंग्रोव जंगल में पाया जा रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द 17 साला प्रवेश उत्सव द ड्राइव टू एनरोल स्टूडेंट्स इन प्राइमरी स्कूल्स इन द स्टेट। रीड करें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द 17th साला प्रवेश उत्सव द ड्राइव टू एनरोल स्टूडेंट्स इन प्राइमरी स्कूल्स इन द स्टेट। किस राज्य सरकार ने राज्य के प्राइमरी स्कूल्स के लिए यानी कि प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के एनरोल नामांकन के लिए अभियान 17वां साला प्रवेश उत्सव शुरू किया है। तो किस राज्य सरकार ने राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के नामांकन के लिए अभियान 17वां साला प्रवेश उत्सव शुरू किया है। ऑप्शन 4 है आपके पास, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात। तो ध्यान रखेंगे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 23 जून को राज्य के प्राथमिक विद्यालय में छात्रों के नामांकन के लिए 17वां साला प्रवेश उत्सव का क्या किया है, शुभारम्भ किया है, इसकी शुरुआत की है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रिसेंटली विच स्कीम हैज बीन डिसाइडेड टू बी इंप्लीमेंटेड इन द होल कंट्री। हाल ही में कौन सी स्कीम निर्णय लिया गया है कि इसको पूरे देश में क्या कर दिया जाएगा, विश्व देश में इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। कौन सी स्कीम को हाल ही में पूरे देश में लागू कर दी जाएगी। 4 आपके पास ऑप्शन, अटल पेंशन योजना, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, जन धन से जन सुरक्षा। जी बताएं। जी, तो हाल ही में कौन सी योजना है जो पूरे देश में लागू करने का निर्णय लिया गया है, ये हमारी है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है जो पूरे देश में क्या किया गया, निर्णय लिया गया है इसको इम्प्लीमेंट करने का, लागू करने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अष्टांग योग। अष्टांग योग किताब के लेखक कौन है। ऑप्शन 4 है आपके पास, डॉक्टर सोनू फोगट, रोहित जोशी, रामचंद्र मिश्रा, चेतन भगत। तो ध्यान रखेंगे अष्टांग योग किताब के लेखक डॉक्टर सोनू फोगट हैं। कौन है, डॉक्टर सोनू फोगट इस किताब के लेखक हैं। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 13,
विच स्कीम डिड असम इम्प्लीमेंट इन द हाल इटसेल्फ, असम ने कौन सी स्कीम हाल ही में लागू किया है? हर घर जल योजना, ऑर्गेनिक फार्मिंग स्कीम, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, या स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली स्कीम? तो कौन सी स्कीम असम सरकार ने हाल ही में इसको लागू किया है? तो ध्यान रखेंगे वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को हाल ही में क्या किया इन्होंने लागू किया, यानी कि एक देश एक राशन कार्ड, किसी भी दूसरे राज्य का व्यक्ति भी क्या कर सकता है, असम में जाके अब राशन ले सकता है राशन कार्ड से। ओके, तो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम असम सरकार ने हाल ही में क्या किया लागू कर दिया है अपने राज्य में। व्हाट हैज आईआईटी जोधपुर डेवलप, आईआईटी जोधपुर ने क्या विकसित किया है, क्या डेवलप किया है? एचडी प्रिंटर, कि 2डी प्रिंटर, कि 3डी या लेंजर? तो ध्यान रखेंगे 3डी प्रिंटर को क्या किया है आईआईटी जोधपुर ने विकसित किया है, 3डी यानी कि 3 डायमेंशनल प्रिंटर। ठीक बच्चों, बिल्कुल सर। आगे क्वेश्चन नंबर 15, विच कंट्री इज होस्टिंग द 14th ब्रिक्स समिट, कौन सा देश 14वें ब्रिक्स समिट की मेजबानी करने जा रहा है, कौन सा देश? इंडिया, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का फुल फॉर्म यानी कि इसमें कौन कौन से शामिल है ब्रिक्स, देख लो, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। इसमें ब्रिक्स में क्या है, 5 कंट्री शामिल हैं। तो कौन सा देश है जो 14वें ब्रिक्स समिट की मेजबानी करने जा रहा है, कौन सा देश? तो ध्यान रखेंगे बच्चों चाइना है। कौन सा है? चाइना। ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर्स से क्वेश्चन, यानी कि 23 जून के और 24 जून के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कोई भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो मैं यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप उनको कमेंट करके मैसेज कर सकते हैं, उसका आपका रिजोल्यूशन आपको तुरंत मिल जाएगा हमारी टीम द्वारा। और इसके बाद आप टेलीग्राम चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आप लोग वहाँ पर आके क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, और क्विज का क्या कर सकते हैं, आप बढ़िया से आनंद उठा सकते हैं। हर तरह की बेहतरीन क्विज जो एग्जाम पॉइंट में आने लायक होती है, उस तरह की क्विज हम लोग कराते हैं आप सभी लोगों के लिए। चलिए कल फिर मुलाकात करते हैं अपनी 26 जून की करंट अफेयर्स के साथ में। तब तक बने रहिए आप सभी लोग, आप सभी का दिल से धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। राधे राधे आप सभी लोगों।